कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिएगा। ये हमारी क्लास नंबर 12 है और हमने एंशियंट जो है एक तरीके से फिनिश कर ली थी। कुछ टॉपिक कुछ बच्चों के रहे थे, वो भी हो जाएंगे। और अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? तो एक बार जितने लोग आप जुड़ चुके हैं कमेंट कर दीजिए, हाँ इसको लार्ज कर दीजिए, एक साइड में हो जाएगा। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए, मेरे पास बताइए मुझे मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या। देखिए जी, आज का हमारा, अच्छा इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एंशियंट के ही होंगे। जी वेरी गुड इवनिंग ज्योति, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे, जी प्रियंका, एंशियंट के ही होंगे। देखिएगा, सुनिएगा जी। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहले एक तरीका होगा, आप लोग जो है खुद आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे खुद, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप उसको पूरा का पूरा लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लिखेंगे। तो मुझे बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी आरव गुड इवनिंग, बताइएगा जी क्या आएगा पहले का आंसर? देखिए जी मैं आपको बता दूं सबके बारे में, सामवेद है ना, जितना भी संगीत है प्राचीन भारत में सारा संगीत सामवेद से लिया गया है। ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना हो जाएगा, अथर्ववेद से लिए गए हैं, तंत्र मंत्र जो है वो अथर्ववेद से लिए गए हैं, यजुर्वेद एकमात्र वेद जो गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा गया है, गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा गया है। इसका सही आंसर आएगा ऋग्वेद। पहले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, पहले क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है उसको नोट कर लो, कीजिए इसको नोट। जी नमस्ते, पहले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो। हो गया, चलिए अब देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में आर्य सबसे पहले कहां बसे? दूसरा क्वेश्चन है जी, भारत में आर्य सबसे पहले कहां बसे? हरियाणा, सिंध, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये हैं ऑप्शंस। पहले आप लोग खुद पढ़ें इसको, फिर आंसर दें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर नोट करें। देवांश आपका जवाब दिया जाएगा, कॉल करना आप मेरे पास। नंबर मैंने आप सबको दे रखा है, आपको इस बैच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले मेरे पास कॉल करें, मैसेज हो सकता है मैं देख भी ना पाऊं, कॉल जरूर करें आप लोग, ठीक है? देखिए जी, आर्य जो लोग थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। सबसे पहले ये लोग सिंध में आकर के बसे थे, आर्य जो है कहाँ पर बसे थे? सिंध में आकर के बसे थे। हालांकि एंट्री पंजाब में ली थी लेकिन सिंध में, या फिर ऑप्शन में आपको सप्त सैंधव मिल सकता है,
ऑप्शन में आपको सप्त सैंधव भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी, लिखें इसके बारे में। आर्य मध्य एशिया से आए, ये बात किसने कही थी? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। बताइए जी, देवांश कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलिए जी, अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ध्यान से देख लीजिएगा तीसरे क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? क्या यह भगवत गीता से लिया है, उपनिषदों से लिया है, ऋग्वेद से लिया है, यजुर्वेद से लिया है? बताइए गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। सिंध आज पाकिस्तान में हो गया, ठीक है जी। नमस्ते। देखो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, ठीक है। इसमें यजुर्वेद जो दे रखा है ये मैंने आपको बता दिया पहले गद्यांश पद्यांश में, भगवत गीता से पहले का है ये, और उपनिषद, उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद कितने हैं हमारे पास? 108। कीजिए इसको नोट। हो गया। चलिए उपनिषदों की संख्या जरूर लिख लें, पेपर में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, चौथा क्वेश्चन। हिंदू मत किसने दिया? हिंदू मत किसने दिया? मनु ऋषि, इंदिरा, रामा या शिवा? आप लोगों ने हिंदुओं को मनुवादी सुना होगा, एक वर्ड मनुवादी। तो मनु एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने हिंदू मत दिया, ठीक है। हिंदू मत किसने दिया? मनु ऋषि ने। नोट करें फटाफट बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी ज्योति जी बिल्कुल, मनु ऋषि सबका सही है। देखिए जी आगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। आप लोग पहले तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध, ये मैंने सबको करवा रखा है। हिंदू मत एक धर्म को बोल देते हैं मत। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कहाँ हुआ था? इसका आंसर बताइए फटाफट। बोध गया, सारनाथ, पटना, लुम्बिनी, सारे के सारे आंसर बताइए, देखते हैं किसका सही होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। देखिए जी, बोध गया में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, सारनाथ में इन्होंने अपना
पहला प्रवचन दिया, पटना उस समय था ही नहीं और लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ये बातें भी लिख रहे हैं, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में पहला प्रवचन और लुम्बिनी में इनका जन्म। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में है। करें फटाफट नोट, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को कवर होगा साथ में, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, सॉरी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया में। साथ में दोनों क्वेश्चन कवर कर ले। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में और ज्ञान प्राप्ति को कहा गया संबोधि। हो सकता है पेपर में ये भी आ जाए कि महात्मा बुद्ध को संबोधि कहाँ पर हुआ, संबोधन कहाँ पर हुआ, बोधगया में। ठीक है, दोनों को लिखिए। ये आज का टॉपिक नहीं है राहुल, आज मैं अब तक जो हम लोगों ने किया है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन भी बीच बीच में चलते रहेंगे ना, 7-8 दिन में नहीं करवाने तो दूसरी बात है, क्वेश्चन चलते रहेंगे, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? दोनों क्वेश्चन कवर हैं, नोट भी करें दोनों को, फिर चलते हैं आगे। हाँ, कल से मॉडर्न चलेगा अच्छे से, डिटेल में, तरीके से। पीडीएफ, इसकी पीडीएफ ठीक है टेलीग्राम पे आ जाएगी, लेकिन आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इसके। चलिए जी, नोट कर लोगे तो वैसे पीडीएफ की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यूनानी किसके द्वारा निकाले गए थे? यूनानी किसके द्वारा निकाले गए थे ये मैंने आपको बता दिया था। यूनानी कौन थे? जो कि 326 BC में सिकंदर के साथ आए थे और यहां बस गए थे। तब फाइनली पोरस के साथ तो लड़ाई हुई थी, पोरस तो हार गया था, अशोक के समय से पहले निकल चुके थे। कौटिल्य ने कहा था निकालो इनको, तो निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए सात्विक आंसर। यूनानी किसके द्वारा निकाले गए थे? इसको नोट कर लीजिए, सी नहीं आएगा, देखो देवांश गलत कर दिया, सातवें का डी आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था काम जी। हाँ, चलिए आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन, मौर्यों की राजधानी का नाम बताइए। मौर्यों की राजधानी क्या थी? नहीं मुसरत, नो नीड। मौर्यों की राजधानी क्या थी? देखिए जी, मौर्यों के मगध तो उनके राज्य का नाम था, पड़ोसी राज्य का नाम था ये, पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी। पटना तो 1541 में बसा है, पटना तो बहुत समय बाद बसा है, तो पाटलिपुत्र जो है इनकी राजधानी थी। आठवें का आंसर आएगा बी, कर लीजिए इसको नोट, आठवें का आंसर आएगा बी, मौर्यों की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र। साथ में क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिखते रहो, एक दो एक्स्ट्रा बात है वो भी लिखते रहो, लिख रहे हो ना साथ में? साथ में लिखोगे तो सही रहेगा। चलिए, पीडीएफ आंसर के साथ नहीं मिलेगी जी। हाँ दीपक शर्मा, ये मुझे पता है, कुछ दिन बाद दोनों में अलग अलग करवाया जाएगा, ठीक है, कुछ कॉमन चीजें हैं वो साथ में हो रही हैं। देखिए जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका मतलब सारे के सारे लेखक है इसमें। देखिए जी, भवभूति ने लिखी, उत्तर रामचरितमानस, भवभूति ने लिखी उत्तर रामचरितमानस, कालिदास की रघुवंशा और मेघदूत
कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। कौटिल्य ने लिखी अर्थशास्त्र। मघा उस जमाने का एक डॉक्टर हुआ करता था, नोट कर लो इसको। एक एक बात कीजिए, नौवे के बारे में सारी बातें नोट। कीजिएगा साथ साथ में। हो गया यहां तक? नौ क्वेश्चन तक किसी को दिक्कत? अश्वघोष की बुद्ध चरित, बुद्ध चरित डन। चलिए जी अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में तक्षशिला का क्या महत्व था? मौर्य काल में तक्षशिला का क्या महत्व था? तक्षशिला जो है एक यूनिवर्सिटी थी, और यूनिवर्सिटी शिक्षा का क्षेत्र होता है। तक्षशिला गांधार में पड़ती है, हालांकि ऑप्शन में गांधार कला दे रखा है, लेकिन गांधार जगह का नाम था। ठीक है, गांधार में पड़ती है और शिक्षा का क्षेत्र है तक्षशिला। तो इसका आंसर होगा सी। अब मुझे आप लोग 11वें का आंसर बताइए, थोड़ा सा डिटेल में है क्वेश्चन। इलाहाबाद का अभिलेख किससे संबंधित है? यह नहीं पूछ रखा कि किसने बनवाया, किससे संबंधित है? इसका आंसर देखते हैं कौन बताएगा। 11वें का आंसर कौन बताएगा? साथ में लिखा करो 11 का, ये क्योंकि इसमें कमेंट में पता नहीं लगता कौन से का आंसर बताया। 11वें का बताना। ग्यारह का सुनो मेरी बात, इलाहाबाद का अभिलेख बनवाया था अशोक ने, तो भाई अशोक ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अशोक ऑप्शन में ही नहीं है। इलाहाबाद का अभिलेख फेमस इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक रचना लिखी गई है अलग से, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, तो जी प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है हरिसेन द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है हरिसेन द्वारा, और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई है, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसका मतलब इलाहाबाद का अभिलेख किससे संबंधित हुआ? समुद्रगुप्त से। बताइए इसका, ये नोट कीजिए, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त वो है जिसने हुणों को हराया था। हुणों को हराने वाला एकमात्र गुप्त शासक स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का संस्थापक। समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है उसमें। हाँ, इनके बारे में लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम। क्या लिखी गई थी? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अभिलेख के ऊपर लिखी हुई है। हाँ सही बात है, अशोक पहले आया था। अशोक के अभिलेख के ऊपर बाद में समुद्रगुप्त के समय में
हरिसेन ने जाकर के इलाहाबाद के अभिलेख के ऊपर एक रचना की। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, नोट कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन देखिए जी, 12वां क्वेश्चन, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये तो आप सबको आता होगा, 12वें का बताइए क्या आएगा, 11th का क्या आएगा? गुप्त काल। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बार स्वर्ण युग लिखवाए होंगे कुछ, अशोक ने तो सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में लिखवाया था उसके अंदर। ठीक है, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों? क्योंकि गुप्त काल में साहित्य, कला और विज्ञान, इन तीनों का विकास हुआ था। गुप्त काल में साहित्य, कला और विज्ञान तीनों का विकास हुआ था, साहित्य, कला और विज्ञान का विकास हुआ था। ठीक है, तो 12वें का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एक्चुअल में नेपोलियन था कौन? नेपोलियन था 1804 से लेके 1814 तक किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा, किंग ऑफ फ्रांस। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये कहा था किसने? वी ए स्मिथ, एक इतिहासकार वी ए स्मिथ, उसने कहा था इसको। हाँ जी, संस्कृत साहित्य का भी गुप्तकाल कहा जाता है इसको। अच्छा, जो गोल्डन एज मैंने आप लोगों को लिखवाए थे वो आप लोगों को अब तक कवर हुए नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 13वां क्लियर है? थैंक यू सूरज। चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन से राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? कौन से राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई है। ठीक है, अशोक तो मौर्य काल में था, चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। और इनको विक्रमादित्य की उपाधि, ये भारत के इतिहास के पहले विक्रमादित्य होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा स्लो चलो। ठीक है जी, 14वें का बी, नोट कर लो इसको। नेपोलियन बताएंगे इसके बारे में भी, कुछ कह नहीं सकते, गुड और बैड सबका अपना अपना ओपिनियन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन, कालिदास ने रघुवंशा किस में लिखी? कालिदास तो संस्कृत भाषा का था, संस्कृत। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कालिदास ने रघुवंशा संस्कृत में लिखी। 16वें का क्वेश्चन देखिए जी, 16वां क्वेश्चन, चरक कौन थे? चरक ने एक बुक लिखी थी, चरक संहिता, चरक ने लिखी थी चरक संहिता। और चरक जो है एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। चरक ने लिखी थी चरक संहिता, चरक जो है एक डॉक्टर थे। जी बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स देख ली मैंने।
डन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ज्योतिषी नहीं था? देखो, ज्योतिषी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने लिखी थी एक किताब सूर्य सिद्धांत। तो भैया सूर्य सिद्धांत मतलब ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज थी इसको। भास्कर द्वितीय कर लीजिए, भास्कर द्वितीय भी एक व्यक्ति था जिसने लीलावती लिखी थी, ये भी मैथ और फिजिक्स पे थी। वराहमिहिर ने लिखी थी वृहत संहिता, वृहत संहिता। और चरक था डॉक्टर, तो इसका आंसर आएगा चरक। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सब ज्योतिषी थे, इनके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। दीपक शर्मा, ये जो है कनिष्क, कश्मीर फाइल हिसार में देखिए जी, और कहाँ देखेंगे। यहां तक बताइए, किसी को दिक्कत है तो। डन, चलिएगा जी। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किए, अब देखते हैं अगले पेज पे 18वां क्वेश्चन। शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग कह सकते हैं, राष्ट्रीय पंचांग जो कि 78 एडी में स्टार्ट किया गया था, 78 एडी में स्टार्ट किया गया था, और ये शुरू किया था कनिष्क ने। शक संवत जो है कनिष्क ने शुरू किया था 78 एडी में, इसका आएगा ए। कनिष्क जो है किस वंश का था? कुषाण, कुषाण वंश का था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी आपके पेपर में पूछी जाती है, कनिष्क की कैपिटल थी मथुरा और पेशावर, ये HSSC में आ चुकी है, मथुरा और पेशावर। लिखो इसके बारे में भी। लिखिएगा इसके बारे में। नहीं जी, पाटलिपुत्र नहीं आएगा, मथुरा और पेशावर। पेशावर पाकिस्तान में है, पाटलिपुत्र बिहार में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें कृष्ण वह गोपियों का वर्णन है, कृष्ण वह गोपियां, गीत गोविंद में कृष्ण वह गोपियां। हाँ, मथुरा यूपी में। रस खान तो बड़ा फेमस साहित्यकार हुआ है, मीराबाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए जी अगला क्वेश्चन, सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन आया था? चलो कुछ क्वेश्चन इसमें से कर ही लेते हैं साथ साथ में। 20वां क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन आया था? देखो इनके सामने मैं क्रम लिख देता हूं। महमूद गजनवी 1001 में आया था, मोहम्मद गोरी 1175 में आया था, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था, चंगेज खान 1221 में आया था। इसका आंसर क्या होगा? सी, मोहम्मद बिन कासिम। इनके सब के बारे में लिख लो, कौन कब आता है।
और ये ना समझें कि सर मेडिवल के क्वेश्चन आ गए हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ओवरऑल हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। लिखिए इसको, डन। चलिए अगला देखिए, शाहनामा के लेखक कौन थे, शाहनामा के लेखक कौन थे। शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, अल बरूनी ने लिखी थी, तहकीक ए हिंद, अल बरूनी ने लिखी थी तहकीक ए हिंद, इबन बतूता ने लिखी थी रेहला, और अरबी कोई लेखक था नहीं। तो इसका आंसर होगा फिरदौसी, लिख लीजिए इसको। हाँ गौरव, 21वीं का लिखिए आप लोग, अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद, इबन बतूता ने रेहला, फिरदौसी ने शाहनामा। तो जी उनमें से किसी ने भी राज नहीं किया था गौरव, सारे ही लुटेरे थे। ठीक है, देखिए जी अगला क्वेश्चन, उसमें सिर्फ पूछा है कि आया कौन था पहले, शासक आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया है। पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था, पहली बात तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इसने दिल्ली व अजमेर पर शासन किया था, दिल्ली व अजमेर पे शासन किया था पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसके पिता का नाम एक बार पूछा गया था पेपर में, सोमेश्वर चौहान। किसका बेटा है ये, सोमेश्वर चौहान का। कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। देखिए जी, दिल्ली में प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, ये तो सबको पता ही है, लेकिन बाकी जो महिलाएं थी उनके बारे में देख लेते हैं। रजिया जो है ये इल्तुतमिश की बेटी है, इसका आंसर होगा। नूर जहां जहांगीर की पत्नी, चांद बीबी अहमद नगर की रानी, चांद बीबी थी अहमद नगर की रानी, और जहां आरा शाहजहां की बेटी, इन सब के बारे में आपको नॉलेज हो। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, ये थी इल्तुतमिश की बेटी। बताइए जी यहां तक, नोट कर लिया इनको। गौरव सही है, देखिए जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण का पुजारी नहीं था।
रामानंदा जो है वो कृष्ण के पुजारी नहीं थे, बाकी सबका नाम आपने कृष्ण के साथ सुना होगा, चैतन्य मीराबाई और सूरदास, सबका नाम कृष्ण के साथ सुना होगा आप लोगों ने। 24वें का ए आएगा, चैतन्य तो कृष्ण के पुजारी थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 25वां, कौन सा युद्ध 1526 में हुआ था? सबके सामने मैं डेट लिख देता हूँ, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत दूसरी लड़ाई 1556, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और चौसा का युद्ध 1539। तो कौन सा युद्ध 1526 में हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, इन सब के बारे में चलो लिख लेते हैं। ये हुई बाबर व इब्राहिम लोदी के बारे में, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर व हेमू के बारे में, हल्दी घाटी अकबर सॉरी मानसिंह व महाराणा प्रताप के बारे में, चौसा का युद्ध हुमायूं व शेरशाह के बीच। यहां बाबर जीत गया, यहां अकबर जीत गया, यहां मानसिंह जीत गया, यहां शेरशाह जीत गया, लिख लो सारे सबके बारे में। पानीपत थर्ड हुई थी 1761 में, पानीपत सिर्फ लड़ाई के लिए जाना गया। इन सब के बारे में लिखो, पानीपत थर्ड, अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा सदाशिव राव के बीच, पेशवा नहीं सॉरी सेनापति। देखो जो पानीपत की दूसरी है ये अकबर का ही नाम आएगा, एक्चुअल में अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खान, बीके बैरम खान, लेकिन नाम अकबर का ही आएगा क्योंकि राजा उस समय अकबर था। बताइएगा कर लिया नोटिस को, उसके बाद देखिए जी आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पानीपत सेकंड, ये आप सबको पता लगी गया 1556, पानीपत सेकंड 1556। देखिए जी ताजमहल किसने बनवाया, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया। देखिए बाकी जो लोग ऑप्शन में हैं उन्होंने क्या क्या बनवाए वो देख लेते हैं। अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने बनवाया लाल किला, कौन सा, आगरे वाला, आगरा। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, ठीक है। जहांगीर ने एक सोने की जंजीर लगवाई, जहांगीर ने लगवाई एक सोने की जंजीर, और औरंगजेब बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा इसने बनवाया। आंसर शाहजहां, चौसा बिहार में है।
कीजिए इसको, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? क्वेश्चंस सही हैं, अब की बार आसान लेवल के दिए हैं, एक बार थोड़ा सा और टॉपिक करवा के मुश्किल वाले करवाएंगे। ये जो सोने की जंजीर है ये इसने आगरा में लगवाई थी न्याय के लिए, इसको न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाल रखी है इसके बारे में, एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है। कीजिए यहां तक, कोई समस्या है तो बताइए। डन, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत में समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत पहुंच गया था, 17 मई 1498। कोलंबस स्पेन से था और इसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी इसने, कोलंबस ने। ये दो है इंपॉर्टेंट, 28वें का ए। एक जवाब आप लोग बताइए मुझे, वास्को डी गामा का वेलकम किसने किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था बताइए जी, किसने किया था वास्को डी गामा का स्वागत? जमोरिन, कालीकट के राजा जमोरिन ने, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसने डाली? भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव 1757 प्लासी की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने डाली थी ब्रिटिश शासन की नींव भारत में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए जी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय 1828। वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1815 में ही हो गई थी, एक सभा बनाई थी आत्मीय सभा और इसी सभा का नाम भविष्य में ब्रह्म समाज पड़ा। आत्मीय सभा ही 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से उभरती है जो कि राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी। स्वामी सरस्वती या दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, इनका कोई समाज था नहीं, नोट कर लो इसको। यार मैं किसकी मानूं, कोई कहता है स्पीड बढ़ाओ, कोई कहता है स्पीड कम करो,
सती प्रथा 1829, तो टॉपिक आएगा तब बताएंगे ना। सती प्रथा का अंत सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने किया था वैसे भारत में, लेकिन ऑफिशियल पूरे एरिया में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही हुआ था। बताइएगा ये सारी बातें इसके बारे में नोट कर लीजिए एक एक बात। हाँ ये बात ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र, देखिए ये समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लॉन्च किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की यानी जे ए हिक्की, और ये समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780, इसके संपादक का नाम आपको जे ए हिक्की मिलेगा, लेकिन पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हाँ मुसरत जी ये मैं टेलीग्राम पे जो है डाल दूंगा, नहीं तो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट है, आप लोग ये पर्सनली भी जो है ले सकते हैं। यहां तक कोई समस्या? चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम, किसने की है? ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने की 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। व्योमेश चंद्र बनर्जी तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे और भगत सिंह कांग्रेस के थे नहीं, गांधी जी कांग्रेस के तो थे लेकिन एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे 1924 में। कीजिए ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम पूरा नाम है इसका, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सी प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी? प्रथम महिला पूछ रखी है ना कि प्रथम भारतीय महिला। अगर पूछा होता भारतीय महिला तो 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट 1917 में, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कौन सी प्रथम महिला, तो भाई एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, आयरलैंड से थी, ठीक है। फटाफट कीजिए इसके बारे में, 33वें के क्वेश्चन के बारे में कीजिएगा।
जी देखिए अगला क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से लाला हरदयाल को भी, सरदार पटेल को नहीं। इसमें जो दो और ऑप्शन हैं, एक है लाला लाजपत राय, एक है रणजीत सिंह। तो भाई हम इसका आंसर मानेंगे प्रेफरेंस के हिसाब से लाला लाजपत राय। लिख लीजिए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय देखिएगा जी। अब खजुराहो के मंदिर चित्रकलाकृतियां किस काल के हैं? सिंपल सी बात है, खजुराहो जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, और चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। अगले क्वेश्चन को देखिए जी, 36वां, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई? वैसे तो ये काम 1912 में हुआ था, लेकिन 1911 अगर ऑप्शन में है तो 11 ही कर देंगे आप लोग, ठीक है? 1912 आएगा सही आंसर, ऑप्शन में नहीं है लेकिन। उसके बाद ये फैसला लिया गया था दिल्ली दरबार में, ये पूछ लिया था राजधानी चेंज की जब वायसराय कौन था? लॉर्ड होल्डिंग। लॉर्ड होल्डिंग के टाइम पे ये फैसला लिया गया था। उसके बाद देखिए जी आप लोग, चोलों की राजधानी कौन सी थी? चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोल ये हम पढ़ेंगे चोल वगैरह के बारे में, चोलों की राजधानी थी तंजौर। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली? 1526 बाबर, ये दूसरा मुगल बादशाह, ये तीसरा मुगल बादशाह, ये था ही नहीं मुगल, ठीक है? बाबर ने 1526 में नींव डाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबर ने पहला अटैक ही तब किया था, पहला अटैक 1519 में कर चुका था बाबर, ठीक है? उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड। उसके बाद फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया जी? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रहे फतेहपुर सिकरी 1571, और ये अकबर की दूसरी राजधानी होगी, सेकंड कैपिटल। अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सिकरी। उसके बाद बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में अकबर ने करवाया था, साथ साथ में लिख रहे हो ना, 1602 में अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, गुजरात जीत की खुशी में, गुजरात जीत की खुशी में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है? उसके बाद देखिए जी, नियमितता का कानून यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है जी। प्रियंका नहीं, आपने कुछ पूछा ही नहीं इसमें। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण 1853, अगले का आंसर क्या है? 1853। बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए जी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, बंगाल को दो भागों में कर दिया,
ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल 1905, 6 नहीं आएगा, 1905 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव कब डाली गई? 1885 में, आपको बता चुका हूं। ए ओ ह्यूम 1885। उसके बाद देखिएगा, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था, वैसे साउथ अफ्रीका की बात करें 1906 और 7 में, लेकिन भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने सबसे पहले। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी किसके साथ जुड़ी हुई है? देखिए जी, नालंदा जो है ये बिहार में है, और ये इनमें से हर्षवर्धन का भी कोई संबंध नहीं है, अशोक का भी कोई संबंध नहीं है, अशोक के बहुत बाद में बनी है, कनिष्क के भी बहुत बाद में बनी है। ठीक है, जो विक्रमादित्य है यही है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नालंदा की स्थापना हुई थी, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही नालंदा के जो है, नालंदा इनके साथ जुड़ी हुई होगी, हालांकि इसका संस्थापक था कुमारगुप्त। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसको भारत का सबसे महान बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम स्टार्ट की थी इस देश के लिए। नेशनल इनकम किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी 1923 में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने, बी और सी दोनों, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अब स्पीड ज्यादा लग रही होगी मुझे पता है ना, कोई बात नहीं। आखिरी क्वेश्चन देखिए जी आज का, भारत में किन राजाओं ने सोने के सिक्के शुरू किए थे? सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने, या फिर इनको हिंद यवन कहा जाए, इंडो ग्रीक या फिर हिंद यवन, इन्होंने सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी। कोई समस्या यहां तक? ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग मॉडर्न को अच्छे से तरीके से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक किसी को समस्या आ रही है तो बताइएगा। मज़ा आया आज की क्लास में? फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग कहेंगे। क्या आज की क्लास में मज़ा आया? अगली 10 क्लास के बाद फिर एक ऐसा ही टेस्ट, उसके बाद फिर एक ऐसा टेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा जोश आता रहेगा आप लोगों में, क्वेश्चंस देखते रहेंगे। मज़ा आया? कोई समस्या हुई? चलिए जी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।